सुपर ओवर में हुआ जमकर ड्रामा। बिना बाउंड्री मारे ही अमेरिका ने बना दिए थे 18 रन। पूरे मैदान पर मछली पकड़ते रह गए पाकिस्तानी खिलाड़ी। मोहम्मद आमिर को आ गई थी मिर्गी। जोकरों जैसी फील्डिंग करते रह गए शाहीन साफ, रिदी और बाबर आजम। भारतीय खिलाड़ियों के दम पर अमेरिका ने रचा इतिहास। आंखों में आंसू लेकर पाकिस्तान की बर्बादी देखते रह गए बाबर। कप्तानी में भी साबित हुए फिसड्डी। क्रिकेट की दुनिया में अमेरिका के शेरों ने लगाई दहार। आज पाकिस्तानियों का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। जिस अंदाज में अमेरिका के शेरों ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान जैसी टीम को बुरी तरह से धूल चटाया है और एक ही मैच में अमेरिका ने पाकिस्तान को दो दो बार शर्मनाक तरीके से हरा दिया है, उसको देखने के बाद तो एक तरफ जहां पूरे क्रिकेट जगत में अमेरिका क्रिकेट की जमकर तारीफ करी जा रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ ग्रीन आर्मी का पूरे क्रिकेट जगत में जमकर मजाक बनाया जा रहा है। प्लास्टिक किंग के नाम से मशहूर बाबर आजम का तो रो कर बुरा हाल हो गया है। बाबर आजम को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि अमेरिका जैसी टीम के हाथों पाकिस्तान को इतनी ज्यादा शर्मनाक तरीके से हार कैसे मिल जाती है। दोस्तों, इस महामुकाबले में पहले तो पाकिस्तान की बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी टीम को काफी ज्यादा निराश किया था और किसी तरह से पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रनों तक पहुंच पाई थी, जिसके जवाब में अमेरिका ने शानदार बल्लेबाजी करी थी और अमेरिकी टीम को आखिरी के ओवर में यह महामुकाबला जीतने के लिए 15 रन चाहिए होते हैं। हारिस रऊफ के ओवर में एरोन जेंस ने एक छक्का और एक चौका भी मार देते हैं। हालांकि अमेरिका यह मैच नहीं जीत पाता है, लेकिन अमेरिका के टीम ने आखिरी ओवर में यह मैच को टाई करवा देती है और यह महामुकाबला सुपर ओवर में जा पहुंचता है। इसके बाद सभी लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तानी दर्शकों को यह उम्मीद था कि पाकिस्तानी टीम सुपर ओवर में अमेरिका जैसी टीम को बुरी तरह से हरा देगी। अमेरिका की टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आती है। उधर से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मोहम्मद आमिर। कप्तान बाबर आजम को मोहम्मद आमिर के ऊपर पूरा भरोसा था कि मोहम्मद आमिर आज के इस सुपर ओवर महामुकाबले में पाकिस्तानी टीम को यह मैच जिताने का काम करेंगे, मगर मोहम्मद आमिर ने तो आज कुछ और ही सोचकर मैदान पर उतरे हुए थे। मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में इतने ज्यादा वाइड गेंद डाली कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि अमेरिका की टीम ने सुपर ओवर में एरोन जोन्स के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला था, वो भी मोहम्मद आमिर के पहली गेंद पर। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की टीम ने एक बिना बाउंड्री के ही सुपर ओवर में पाकिस्तान के खिलाफ 18 रन खड़ा कर दिए थे, जिसको देखने के बाद आज पूरे क्रिकेट जगत में पाकिस्तानी टीम को जोकर कहा जा रहा है। इस सुपर ओवर में पाकिस्तान के फील्डरों ने भी काफी खराब फील्डिंग करी थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी गेंद नहीं पकड़ रहे हों बल्कि मछली पकड़ रहे हों, जिस अंदाज में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आज फील्डिंग रहा था। सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने तो वाइड से ही 10 रन दे दिए थे, जिसके बाद आज एक बार फिर से मोहम्मद आमिर के ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी का यही कहना है कि इतने वाइड गेंद कोई जानबूझकर कैसे दे सकता है। यहां तक कि दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का भी यही कहना है कि मोहम्मद आमिर ने जरूर कोई मैच फिक्सिंग करी होगी, तभी तो अमेरिका जैसी टीम के खिलाफ मोहम्मद आमिर इतनी ज्यादा वाइड गेंद फेंक दिए थे। अब पाकिस्तानी टीम को सुपर ओवर में यह महामुकाबला जीतने के लिए 19 रन बनाने होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं फखर जमान और इफ्तिकार चचा। उधर से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं भारतीय मूल के खिलाड़ी सौरभ। सौरभ की पहली गेंद पर इफ्तिकार चचा एक भी रन नहीं बना पाते हैं। अब पाकिस्तानी टीम को यह मैच जीतने के लिए आखिरी के 5 गेंदों पर 19 रन बनाने होते हैं। हालांकि अगली गेंद सौरभ की वाइड हो जाती है, उसके बाद सौरभ की दूसरी गेंद पर इफ्तिकार चचा शानदार चौका मार देते हैं। अब पाकिस्तानी टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए 15 रन चाहिए होते हैं आखिरी के 4 गेंदों पर, लेकिन सौरभ के तीसरी गेंद पर इफ्तिकार चचा छक्का मारने के चक्कर में सामने की ओर कैच दे बैठते हैं। अब पाकिस्तानी टीम की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को आखिरी के 3 गेंदों पर यह मैच जीतने के लिए 15 रन चाहिए होते हैं। इफ्तिकार चचा के आउट होने के बाद अब शादाब खान बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और शादाब खान आते ही सौरभ के चौथी गेंद पर शानदार चौका मार देते हैं। अब पाकिस्तानी टीम को आखिरी के 2 गेंदों पर यह मैच जीतने के लिए 9 रन चाहिए होते हैं। हर किसी को यही लग रहा था कि शादाब खान लगातार 2 छक्के मारकर पाकिस्तानी टीम को यह मैच जिता देंगे, मगर सौरभ ने क्या गजब की गेंदबाजी करी थी। भारतीय मूल के इस खिलाड़ी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 5वीं गेंद पर शादाब खान को सिर्फ 2 रन ही देते हैं। अब पाकिस्तानी टीम को आखिरी गेंद पर यह मैच जीतने के लिए 7 रन चाहिए होते हैं, मगर सौरभ ने क्या गजब की गेंदबाजी करी थी और सौरभ के आखिरी गेंद पर शादाब खान सिर्फ 2 रन ही बना पाते हैं और इस तरह से पाकिस्तानी टीम को अमेरिका जैसी टीम के हाथों सुपर ओवर में 5 रनों से शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद से ही पूरे अमेरिका के खेमे में रात भर जश्न का माहौल देखने को मिला था, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में मातम का माहौल छाया हुआ था।